मंगलवार का दिन जेडीयू के नाम रहा। जेडीयू ने उपचुनाव के दोनों ही परिणामों में दोनों ही सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे। लेकिन बात कर ली जाए विपक्ष की पार्टियों की, जिसमें राजद और कांग्रेस थी। महागठबंधन में जब राजद और कांग्रेस थी, उस वक्त कांग्रेस ने बोला था कि उन्हें एक सीट दी जाए, लेकिन राजद ने ये सीट नहीं दी, जिसके वजह से महागठबंधन में दो फाड़ हो गई। कांग्रेस ने अपने अलग प्रत्याशी उतारे, राजद ने अपने अलग प्रत्याशी उतारे। लेकिन कल जब उपचुनाव के परिणाम आए, उससे साफ नजर आ गया कि कांग्रेस जो है वो इस मुकाबले में कहीं नजर भी नहीं आया। जो मुकाबला था वो सिर्फ और सिर्फ राजद और जेडीयू के बीच में ही था, काफी कम वोटों का अंतर था। लेकिन कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस तो इस मुकाबले में दूर तक नजर नहीं आया। हालांकि कांग्रेस का टक्कर चल रहा था नोटा से। अब नोटा क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब वोटिंग करने जाते हैं तो नोटा भी एक विकल्प के तौर पर होता है। नोटा को कहते हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी नागरिक वोट देने के लिए जा रहा है तो वो नोटा पर भी बटन दबा सकता है। अगर उसे किसी भी प्रत्याशी को वोट देने का मन नहीं है तो वो इस विकल्प को चुन सकता है। तो लोगों ने कांग्रेस को वोट देने के ज्यादा नोटा को वोट दिए, यानी कि कांग्रेस की जो टक्कर थी वो नोटा के साथ थी। आपको बता दें कि बिहार में कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए इस तरह का राजनीतिक घमासान मचा कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन ही टूट गया। यह अलग बात है कि कांग्रेस जिस सियासी समीकरण को समझाने की कोशिश कर रही थी, उसे राष्ट्रीय जनता दल समझने को तैयार नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल जो बताना चाह रही थी, उसे कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू दोनों ही सीटों के समीकरण और पार्टी के फीडबैक से मिले आंकड़ों से सियासी दशा भाप चुके थे, लेकिन कांग्रेस की जिद के आगे घुटने नहीं टेके। इसी कारण कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन टूट गया। अहम बात लालू यादव का वो बयान है, जिसके कई मायने उस समय तो निकाले गए थे, लेकिन अब जो मायने निकाले जा रहे हैं उससे एक बात साफ है कि लालू यादव को इतनी जमीनी जानकारी जरूर थी कि अगर कांग्रेस को टिकट देंगे तो हार जाएंगे। कुशेश्वर स्थान जीते भले नहीं, लेकिन राजद ने जिस तरीके से कुशेश्वर स्थान में बढ़त बनाई, उससे एक बात साफ नजर आता है कि अगर कांग्रेस के खाते में कुशेश्वर स्थान की सीट जाती तो संभवतः यहां तक भी कांग्रेस को पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की अहम लड़ाई और बिहार में इसके सियासी मायने काफी बड़े थे। देश के राजनीतिक हालात पर भी नई सियासी चर्चा को लेकर इतनी जगह मिल गई थी कि लालू यादव भी चुनावी मैदान में आ गए थे। हालांकि जब दिल्ली से लालू यादव चले तो कांग्रेस को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया उससे कांग्रेसी काफी नाराज थे। भक्त चरण दास को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कह दी, जिससे कांग्रेसियों के भीतर नाराजगी थी। लेकिन लालू यादव ने यह भी कहा था कि उनकी बात सोनिया गांधी से हुई है। राजद के कुछ लोगों ने यह भी कह दिया था कि लालू यादव ने बेहतर तरीके से सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझा दिया था कि कुशेश्वर स्थान में हार जाने के बाद भी कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बदौलत जीत का दावा कर सके। लालू यादव ने कांग्रेस को सीट देने पर हार जाने की बात कही थी, लेकिन खुद सीट रखकर कुशेश्वर स्थान हार गए। चुनावी मैदान में उतरे तेजस्वी ने तो पूरा दम लगा दिया। आरोपों की जितनी बातें हैं सब कुछ आ गई, विसर्जन और दूसरी भाषा की मर्यादा भी टूटी, लेकिन उसके बाद भी कुशेश्वर स्थान की सीट राजद के खाते में नहीं गई। समझौते की कोई बात आगे बनेगी या फिर दो सीटों की लड़ाई ही महागठबंधन की कुर्बानी की वजह बनेगी, क्योंकि जीत का दावा किया गया था वो जीत नहीं हो पाई, और जो लोग हारे हैं वह जीतने का अब कौन सा दावा करेंगे ये देखने वाली बात होगी।